हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब आपको जो अगला वीडियो मिलेगा वो क्लास नाइन्थ का मूवमेंट्स का शॉर्ट आंसर होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर होंगे। जैसे अगले वीडियो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको 15 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए थे और अब यह है 15 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर। तो देखते हैं समय मना बर्बाद करते हुए, व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से बच्चा पीछे क्यों छूट जाता है। द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से बच्चा पीछे इसलिए छूट जाता है क्योंकि ही फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, दुकानों में जो खिलौने लगे होते हैं, दैट लाइंड द वे, रास्ते पे पंक्तिबद्ध रूप से जो दुकानों में खिलौने लगे होते हैं उनसे आकर्षित होकर के बच्चा पीछे छूट जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विच थिंग डिड द चाइल्ड वॉन्ट टू हैव द फेयर, मेले में कौन कौन सी चीजें चाहता है, एंड व्हाई कुड ही नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर देम, और उनसे उनके लिए अपने माता पिता से क्यों नहीं कहता है। तो द चाइल्ड वॉन्टेड टू हैव बर्फी, बर्फी गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, बैलून्स यानी कि गुब्बारे चाहता है, लेना चाहता है। ही आल्सो वॉन्टेड टू हियर द म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर, वह बीन के संगीत को भी सुनना चाहता है। स्विंग ऑन द राउंड अबाउट, झूले में झूलना भी चाहता है। ही न्यू, वह जानता है, दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाई हिम, लेकिन उसके माता पिता उसे ऐसा नहीं करने देंगे, खरीदवाएंगे, इसलिए सो ही कुड नॉट आस्क देम फॉर देम, इसलिए उन्होंने उसके लिए उनको नहीं कहा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब अपने माता पिता को खो देता तो उसकी स्थिति का वर्णन करना है। तो व्हेन द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब माता पिता को बच्चा खो देता है, अ फुल डीप क्राई रोज विदिन हिज ड्राई थॉट थ्रॉट, उसके सूखे हुए गले से एक तीखी और बहुत भारी चीख निकलती है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंसू उसके आंखों से गिरते हैं। पैनिक स्ट्राइकिंग और भय से या भयभीत होकर के ही रैन टू एंड फ्रो, इधर उधर भागता है। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड, और उसकी पीले रंग की जो पगड़ी होती है वो छूट जाती है। Why did the grandfather buy Toto and how much had he to pay for him? Grandfather ने टोटो को क्यों खरीदा और उसके लिए उसे कितनी कीमत देनी पड़ी? The grandfather bought Toto. Grandfather यानी दादाजी ने टोटो को खरीदा क्योंकि the tanga driver used to keep him tied to a feeding trough. क्योंकि वह यानी कि जो तांगा ड्राइवर था वह उसको कहां एक नांद में कह सकते हैं या खुरली पे कह सकते हैं, खुरली में लगता था, खुरली या नांद में बांध करके रखा करता था। एंड ही लुक सो आउट ऑफ प्लेस, और वहां वह अनुकूल नहीं दिखता था, वहां वह अनुकूल नहीं दिखता था यानी बेकार टाइप का, सूट नहीं करना के जैसे कहते हैं। ही द ग्रैंड फादर यानी कि हैड टू पे 5 रुपीज, इसके लिए ग्रैंड फादर को 5 रुपए देने पड़े। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड टोटो टेक अ बाथ, टोटो जो है कैसे नहाता था, एंड वेयर डिड ही लर्न टू डू दिस, और ऐसा करने के लिए उसने कहां से सीखा। देखेंगे अब, टोटो टेस्टेड द टेम्परेचर विथ हिज हैंड्स, अपने हाथ से टेम्परेचर को यानी तापमान को चेक करता था पहले, बहुत ही चालाकी से, कनिंगली। देन तब ही स्टेप इन टू इट, तब इसमें उतर जाता था। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर में वह साबुन लगाता था। एंड ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर, उसे पूरे शरीर में रगड़ता था या मलता था। He learned to do this after watching the authors doing so, और लेखक को ऐसा करते हुए देख करके उसने ऐसा सीखा था। What did the tusker यानी elephant do when went mad, जब वह पागल हो गया, जब हाथी पागल हो गया तो उसने क्या किया, ऐसा पूछ रहा है वो, आंसर देखेंगे। The tusker escaped from the timber,
टिम्बर यानी कि जो इमारती लकड़ी के बागान होते हैं उनसे बच निकलता है यानी भाग जाता है, एंड स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को उखाड़ता हुआ, टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स और बेलों को तोड़ता हुआ, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस, शाखाओं को तोड़ता हुआ अपनी इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से। ही बेगन टू रोम, वह इधर उधर भागने लगा, एंड एंटर द टाउन, कस्बे में प्रवेश कर जाता है। ही ब्रॉक स्टॉल ऑफ फ्रूट्स, फलों की दुकानों को तोड़ देता है, एंड ही एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, और वह स्कूल के मैदान में प्रवेश किया उसने, एंड पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और फुटबॉल गोल पोस्ट को भी उसने उखाड़ दिया, एंड टॉर डाउन द विले वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट यानी जाल को भी उसने फाड़ दिया। हु वाज ईश्वरन, ईश्वरन कौन था? व्हाट जॉब डिड ही डू फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए वह कौन सा कार्य करता था? तो ईश्वरन वाज महेंद्र कुक, महेंद्र का वह बावर्ची था। ही कुक्ड डेलिशियस फूड फॉर हिम, उसके लिए बहुत ही लजीज खाना वह बनाता था, एंड ही वास्ट क्लॉथ, वह कपड़े धोता था, एंड ही टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी टू महेंद्र एट नाइट, यानी कि रात में वह महेंद्र को बड़ी ही रुचिकर कहानियां सुनाया करता था। हाउ डिड गुरु सेव द लाइफ ऑफ हिज डिसिपल, अपने शिष्य की जान गुरु कैसे बचाता है? तो द गुरु मेड अ ट्रिक एंड टोल्ड द किंग, गुरु ने एक तरकीब खोजी और उसने राजा से कहा कि हु एवर वाज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, जो भी पहले इस सूली पर चढ़ेगा वुड बी द किंग, वह राजा बनेगा, एंड द सेकेंड, और जो दूसरी बार दो दूसरा दूसरे नंबर पर जो चढ़ेगा वन वुड बी द मिनिस्टर, वह इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में वह मंत्री बनेगा। द किंग ट्रैप्ड इन इट, और राजा इस जाल में फंस गया। व्हाई वर द गुरु एंड द डिस्पेल सरप्राइज इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में डिस्पेल जो है वो कैसे सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, देखेंगे। द गुरु एंड द डिस्पेल वर सरप्राइज, गुरु यानी कि और डिस्पेल यानी शिष्य वर सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गए, टू फाइंड या पाकर के, दैट द पीपल स्लेप्ट इन द डे, दिन में लोग सोते हैं, एंड वर्क इन द नाइट, रात में काम करते हैं, दे फाउंड दैट एवरी थिंग कॉस्ट वॉज अ सिंगल डू डू, और उन्होंने पाया कि हर वस्तु की कीमत एक सिंगल एकमात्र डुड्डू होती है। आगे देखेंगे, दसवें क्वेश्चन को देखेंगे। हाउ डिड द प्रिंस एंड द सेवलो एनेबल टू प्ले राइट टू फिनिश हिज वर्क, और राजकुमार तथा अबाबील ने प्ले राइट यानी नाटककार के कार्य को समाप्त करने में कैसे मदद की, यानी कि एनेबल सक्षम हो पाए या कामयाब हो पाए। द प्ले राइट वाज टू पुअर टू बाई फूड एंड फायर वुड, प्ले राइट यानी कि नाटककार इतना गरीब था कि वह भोजन को और जलाने वाली लकड़ी को, ईंधन को यानी नहीं खरीद सकता था। इट वाज डिफिकल्ट टू राइट अ प्ले इन आइसी कोल्ड नाइट, और इतनी ठंड में नाटक लिखना बहुत कठिन था। द प्रिंस फेल्ट पिटी, और राजकुमार उसके ऊपर, राजकुमार को दया आ गई, एंड सेंड अ सैफायर टू द प्ले राइट थ्रू द सेवलो, और उसने अबाबील के जरिए अपने नीलम को नाटककार के पास भिजवा दिया। हाउ डिड द प्रिंस हेल्प द सीमस्ट्रेस, दजिन की मदद राजकुमार ने कैसे की थी, तो देखेंगे। द हैप्पी प्रिंस फेल्ट पिटी टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सीम स्ट्रेस, दर्जनिन की मिजरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति को देख करके राजकुमार को, प्रसन्नचित राजकुमार को दया आ गई, और ही आस्क द सेवलो, उसने अबाबील से टू टेक आउट रूबी ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी स्वॉर्ड यानी मुठिया यानी तलवार से रूबी को यानी मणिक को निकाल लेने के लिए कहा, एंड गिव इट टू द सीमस्ट्रेस, और दर्जिन को देने के लिए से कहा। द सेवलो टुक द रूबी आउट, अबाबील ने इस रूबी को यानी मणिक को निकाल लिया, एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, और उसे मेज पर रख दिया, कहा दर्जिन के घर पर, और सी सा इट एंड बिकेम हैप्पी, उसने जब इसे देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गई। अगले क्वेश्चन को देखें।
Why was it difficult for Prashant to travel back to his village? अपने गांव लौटना प्रशांत के लिए कठिन क्यों था? It was difficult for Prashant to travel back to his village. अपने गांव लौटना प्रशांत के लिए कठिन इसलिए था क्योंकि everything was submerged under shallow flood water, यानी कि बाढ़ के पानी में सब कुछ डूबा हुआ था. Dead bodies of animals और जानवरों के सब तथा and humans body, dead bodies और मानव सब were seen floating in the water, पानी में तैरते हुए दिखाई पड़ रहे थे. अगले क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, व्हाट हैवॉक हैज द सुपर साइक्लोन रैग्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा के यानी कि जो बेहद चक्रवात था, हैवॉक हैज द सुपर साइक्लोन यानी बृहद चक्रवात ने उड़ीसा के लोगों के जीवन में विनाश का या क्रोध का बदला कैसे दिखाया. देखते हैं. देयर वाज अ हैवी रेन विद फेरसी स्टॉर्म इन उड़ीसा. उड़ीसा में भयंकर तूफान के साथ भारी वर्षा हुई. इट वाज हाउसेस, अबे उसने घरों को बहा दिया. एंड डिस्ट्रॉय विलेजेज, गांव को नष्ट कर दिया. द ट्रीज वर अपरूटेड और वृक्ष उखड़ गए. एंड क्रैश इन टू द अर्थ और पृथ्वी पर टूट कर गिर गए. अ नंबर ऑफ पीपल और बहुत से लोग वर किल्ड, बहुत से लोग मारे गए थे. अब अगले दो क्वेश्चन देखते हैं. और व्हाट वाज ब्रह्मंस मास्टरपीस, ब्रह्मंस की मास्टरपीस अलौकिक कृति क्या थी? द लास्ट लीप ऑफ आईबी क्रीपर ऑन द वॉल वाज पेंटेड बाय ब्रह्मन. ब्रह्मन द्वारा दीवार पर आईबी बेल की अंतिम पत्ती बनाई गई थी. इट रीजेनरेटेड जांसी विलिंगनेस टू फाइट हर इलनेस एंड लिव. और इसने जॉन्सी की इच्छा को बीमारी से लड़ने और जीवित रहने के भाव पुनः उत्पन्न किए थे या फिर से जागृत किए थे. दस इस प्रकार से इट कैन वी से हम कह सकते हैं दैट की दिस पेंटिंग वाज द मास्टर पीस ऑफ ब्रह्मन, की यह चित्रकारी ब्रह्मन की अलोकित कृति थी. क्या थी? अलोकित कृति. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड द साइट ऑफ द लास्ट लीप अफेक्ट जांसी. जांसी पर अंतिम पत्ती का क्या प्रभाव पड़ा? अंतिम पत्ती के दृश्य का जॉन्सी पर क्या प्रभाव पड़ा? द साइट ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती का दृश्य, दैट वॉज क्लिंगिंग ऑन टू द क्रीपर इन स्पाइट ऑफ द वाइंड एंड विंड एंड स्नो, जो कि यानी कि बेल पर हवा और बर्फ के बावजूद बेल पर चिपकी हुई थी, गेव हर कॉन्फिडेंस, उसे एक विश्वास प्रदान कर गई दैट की He would survive, कि वह जीवित हो सकती है यानी कि बच सकती है. क्या कर सकती है? बच सकती है. She realized, उसने महसूस किया कि how much she had traveled through by her gloom and depression, कि उसने अपनी निराशा से और मानसिक तनाव से शिव को कितना कष्ट किया दिया, वह यह महसूस कर लिया था या कर गई थी. आशा है मित्रों कि आपको यह पसंद आया होगा. बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है और मैंने बहुत कम वीडियो बनाने का, कम से कम बनाने का प्रयत्न किया जिससे आपको ज्यादा ना देखना पड़े, लेकिन फिर भी यह काफी बड़ा हो गया. इसको आप थोड़ा देख लें और अच्छी तरह से याद कर लें. आशा है कि आपको यह क्वेश्चन लाभकारी रहेंगे. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. जय हिंद, वंदे मातरम.